नमस्कार, खबर फटाफट समिति स्मृति स्वागत करुछि। पाखौछि डेडलाइन छिंडुनी गणित, महाराष्ट्र में सरकार गठन नहीं जारी रही अचलावस्था। उभय बीजेपी और शिवसेना निज निज जिद्रे अड़ी बसी। शिवसेना मुखपात्र संजय राउत दावी करिछन्ति दल पाखरे 170 विधायकों समर्थन रही, आहुरी अनेक विधायक जोगाजोग अछन्ति, तेणु शिवसेनारु ही राज्यर मुख्यमंत्री हेबे। जदि बीजेपी सहित कौन आलोचना हुए ता केवल मुख्यमंत्री पद को नहीं हेब, तेज वर्तमान सुधा सरकार गठन नहीं कौन कथबार्ता हो स्पष्ट करते रही मात्र 4 दिन डेडलाइन, कारण 7 तारीख सुधा सरकार गठन नहीं चित्र स्पष्ट नियम अनु राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी हेब। निर्वाचन में मेंट को स्पष्ट बहुमत मिली, यह सत्वे सरकार गठन न हो जदि राष्ट्रपति शासन लागू हुए यह बीजेपी पर बड़ विफलता हो। शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे दलर मुखपात्र सामने संपादकीय माध्यम से बीजेपी को कड़ा समालोचना कर अचलावस्था जारी रही बेले सेपटे आज औरंगाबाद जिला गस्त कर शिवसेना सुप्रिमो उद्धव ठाकरे। औरंगाबाद जिले में मरुड़ी अदिनिया वर्षा व्यापक फसल नष्ट होने से क्षतिग्रस्त चाषी आलोचना कर जुग्म विजुग्म लागूर दिनक पूर्व दिल्ली में संगीन स्थिति। राजधानी दिल्ली और आखपाख अंचल में प्रदूषण कमार ना ने राजधानी आकाश में एवं विश्वर बलय, चारिड़े खाली धुआं और धुआं आज रेकर्ड स्तर में पहुंची प्रदूषण स्तर। कल अड इवेन फर्मुला लागू होगा बेले दिल्लीर 18 स्थान में एयार क्वालिटी इंडेक्स 900 अतिक्रम कर। बवानर एक्यूआई स्तर 900 अनेशत बेले रोहिणी अंचल में 967 रही। खराब पाग जो 32 फ्लाइट्र गतिपथ में परिवर्तन दिल्ली को एयर इंडिया 32 विमान को जयपुर अमृतसर और लखनऊ को डाइवर्ट कर दीपावली पर राजधानी दिल्ली समेत एशियार वायु लोकों पर विश्व पलटि। सबुठ खराब स्थित में पहुंची राजधानी में वायुर मानक, यह देखी दिल्ली एनसीआर जारी होल्थ इमरजेन्सी। केवल से नुहे नवेम्बर 5 तारीख पर्यंत दिल्लीर समस्त स्कूल को बंद रखा घोषणा कर। निर्माण काम लगी रोक, लगातार प्रदूषण जनित समस्या लग रही इंडिया गेट कमे लगी पर्यटकों संख्या, लोकों सतर्क रहा कहु लोके मुहर मास्क पिंधि बाहर को जा। थाइलैंड गस्तर प्रधानमंत्री, थाइलैंड गस्तर द्वितीय दिन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वां एशियन इंडिया शिखर सम्मेलन में जोग देते बैंकॉक में आयोजित यह सम्मेलन को संबोधन कर प्रधानमंत्री मोदी। डिजिटल पर्यटन और विमान जोगाजोग गुरुत्व मोदी द्विपाक्षिक स्वार्थ दृष्टि भारत एशियन देशगुड़िक संपर्क वृद्धि लगे प्रयासरत, ए दिगरे एशियन देशगुड़िकोग कर। इस सम्मेलन में थाइलैंड प्रधानमंत्री उपस्थित थे। यह पूर्व गतकाल बैंकॉक में सावार्ती कार्यक्रम में सामिल होते मोदी से भारतीय समुदाय को संबोधन करते। छठ पूजा अघटन पूजा बेले कांथ पड़ी दुई जन मृत्यु, दुखद खबर आसी बिहार समस्तीपुर। छठ घाट निकट में काली मंदिर कांथ पड़ी दुई जन मृत्यु घटी, हसनपुर बड़गांव अंचल में यह दुखद घटना घटी। सका सूर्य पूजा बेले पोखरी कूल में काली मंदिर पाचेरी भूसिल पड़ा, जो 62 वर्षीय लीलादेवी और 60 वर्षीय बजीदेवी मृत्यु घटी, एन 4 जन आहत होते, आहतों को चिकित्सा पर स्थानीय मेडिकल भर्ती कर। हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से चली किन्नर महोत्सव, यह महोत्सव में पारंपरिक पोशाक सांस्कृतिक कार्यक्रम होसह मेलार आयोजन जार मजा उठाऊ स्थानीय लोके। बंधुक बिक्री करिपारु महिला गिरफ, आंध्रप्रदेश विशाखापट्टनम दुई जन महिला को गिरफ्त कर पुलिस, यही महिला माने खोलाखोली भावे बेआईन बंधुक कारबार करुथिबारु गिरफ्त कर। छात उपरे चढ़ला बुला षंढ, उत्तर प्रदेश हरदोई देखा मिली एभली एक दृश्य, एक घर छात उपरे गोटे षंढ चढ़ी लोकों मध्य आतंक खेली जाता। दमकल बाहिनी को सूचना देवा से पहुंचे बहु कष्ट षंढ को तलू को। उत्तर प्रदेश हरिद्वार में हाथी आतंक, हाथी आक्रमण में दुई जन मृत्यु हो, पंजन हेडी में जमी को जलसेचन जा जे वृद्ध को हाथी आक्रमण कर मारी बेले जिओपतारे जड़े महिला हाथी आक्रमण में मृत।
बिहार औरंगाबाद में छठ पूजा समय दुर्घटना दौड़ादौड़ी होवु दुईज शिशुं मृत्यु होनेक लोक ए आहत भी हो। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर्मचारी पीएफ रे बड़ धरणर दुर्नीति अभियोग हो मामलें तदंत सीबीआई को तदंत निर्देश देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एसह से कहते जपर्यंत सीबीआई पूरा मामलार तदंत भार निज हाथ को न नहीं से पर्यंत यार तदंत डीजीईओडब्ल्यू करे। यह मामलें पुलिस उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन तत्कालीन निर्देशक सुधांशु त्रिवेदी और महाप्रबंधक तथा सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता को गिरफ कर दुर्नीति में विद्युत कर्मचारी पखापाखि 2267 कोटी टंका फसी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड गस्तर द्वितीय दिन यह अवसर में से आदित्य बिर्ला ग्रुप स्वर्ण जयंती समारोह में सामिल हो। गोवा राज्यपाल भाव शपथ ग्रहण करेंगे सत्यपाल मल्लिक। किसी दिन ते परवर्ती गोवा राज्यपाल भाव घोषणा कर पूर्व से जम्मू और काश्मीर राज्यपाल दायित्व तुलाई। महाराष्ट्र राजनीति नहीं कटु मंतव्य देते अल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी। ओवैसी कहते उद्धव ठाकरे दुईट घोड़े चढ़ाक चाहते जनता को मूर्ख न बनवा से कहते। जम्मू काश्मीर राज्यर समाप्ति पर गठन हो दुईट नुआ केन्द्रशासित अंचल एवं प्रकाश पाई दुई केन्द्रशासित अंचल नुआ मानचित्र। जम्मू काश्मीर केन्द्रशासित अंचल मानचित्र स्थान पाई पाक अधिकृत काश्मीर। जम्मू काश्मीर सह लद्दाख केन्द्रशासित अंचल भारतर नुआ मानचित्र स्थान पाई नुआ मानचित्र मुजफ्फरबाद मीरपुर को जम्मू और काश्मीर केन्द्रशासित अंचल में सामिल कर गिलगित गिलगित वाजारत चिल्हास और ट्राइबल टेरिटोरी लद्दाख केन्द्रशासित अंचल में सामिल हो। अक्साई चीन लद्दाख अंश बोली मानचित्र उल्लेख कर गत अगस्त 5 तारीख में केन्द्र सरकार जम्मू और काश्मीर धारा 370 उच्छेद करते और जम्मू और काश्मीर सह लद्दाख को दुई नुआ केन्द्रशासित अंचल बोली घोषणा करते। अक्टोबर 31 कार्यकारी हो लद्दाख में कारगिल और लेह दुईट जिला रही। पूर्व जम्मू और काश्मीर 14 जिला रही जिलागुड़िकला कठुआ जम्मू उधमपुर रियासी अनंतनाग बारामूला पुंच मीरपुर मुजफ्फरबाद लेह लद्दाख गिलगित गिलगित वजारत चिल्लास और ट्राइबल टेरिटोरी। तेज 2019 जम्मू और काश्मीर पुनर्गठन आईन में परिवर्तन कर 14 जिला को 28 जिले में परिणत कर लद्दाख केन्द्रशासित अंचल में गिलगित गिलगित वजारत चिल्लास ट्राइबल टेरिटोरी सामिल कर। नवंबर 3 तारीख महाकाश विज्ञान क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन कारण यह दिन ही प्रथम थर पर महाकाश को कौन जीवंत प्राणी को पठा जाता और से ही प्राणी मनुष्य ना से गोटे कुकुर जार ना थिला लाइका। लाइका हूँ प्रथम प्राणी जी स्पेस मिशन में जा 1957 मसीहा नवंबर 3 तारीख में रुषिया महाकाश जान स्पुटनिक 2 महाकाश को यात्रा कर लाइका। सोवियत स्पेस मिशन अधीन विश्वर प्रथम महाकाशयान स्पुटनिक 1 सफल उत्क्षेपण पर रुषिया वैज्ञानिक मानों भितर कौन जीवंत प्राणी को महाकाश को पठावा को उत्कंठा बढ़ी जा बछा जा मस्को रास्तु उठाई नि बुला कुकुर लाइका को जार बयस 3 वर्ष। लाइका को बाछबार कारण था बुला कुकुर विपरीत परेश खाप खुआबार शक्ति अधिक थाए तेरे लाइका मात्र 28 दिन भितर निर्माण कर महाकाशयान यार ना थिला स्पुटनिक 2। महाकाश यात्रा लाइका को प्रथम गोटे आबद्ध पिंजरा 20 दिन धरी बंद कर रखा जाए तालीम दि जाता 1957 नवंबर 3 तारीख में महाकाश को जाता लाइका किंतु आउ पृथ्वी को फेरी नाला। महाकाश यात्रा आरंभ करार किसी घंटा मध्य ही महाकाशयान मध्य तार मृत्यु हो जाता यार कारण था स्पुटनिक 2 महाकाशयान निर्माण में त्रुटि। पुणि थे कलिंग स्टेडियम में कमाल करी भारतीय हॉकी दल ओलंपिक्स क्वालिफायर मैच में दमदार प्रदर्शन करी पुरुष हॉकी टीम। भारतीय पुरुष टीम रुष को 1 विकेट स्कोर 11-3 गोल रे परास्त करी हासिल कर टोक्यो टिकेट। शनिवार खेल जा द्वितीय पर्याय मैच में भारतीय दल रुष को 7-1 गोल रे परास्त करला। शुक्रवार खेल जा प्रथम पर्याय मैच में 4-2 गोल रे विजय हासिल कर भारतीय दल मैच 16 मिनिट रे प्रथम गोल स्कोर कर रुषिया तेरे यार मात्र गोटे मिनिट भितर स्कोर करी गोल परिशोध करते ललित उपाध्याय।
तापरे आरंभ होइतिला भारतर गोल वर्षा। 23 ओ 29 मिनिट्रे दुईटी गोल स्कोर करी भारतर स्थिति मजबूत करिथिले आकाशदीप। प्रथमार्ध सुद्धा 3-1 रे आगुआ थिबा भारत अटैकिंग गेम सह द्वितीयार्धरे मध्य चारोटी गोल देइथिला। 47 मिनिट्रे निरकंच, 48 ओ 59 मिनिट्रे रूपिंदर पाल सिंह और शेष मिनिट्रे आउ अमित रोहित दास गोल दे भारत को 7-1 विजय कराइथिले। या पूर्वर खेला जाइथिबा मैच रे भारतीय महिला दल अमेरिका ठारु पराजय सत्ते दुईटी मैच रो फोर्थ गोल व्यवधान रे ओलंपिक टिकट हासिल करिथिला। शुक्रवार भारत अमेरिका को 5-1 गोल से हराइथिबा बळे शनिवार 1-4 रे हारिथिला। दुईटी मैच रो गोल मिसाई भारत 6-5 रे गोल व्यवधान रे टोकियो टिकट पक्का करिछि। भारत पक्ष रे एकमात्र गोल देथिले रानी धम्पाल। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मध्य शनिवार मैच देखा कलिंग स्टेडियम में पहुंच महिला टीम को उत्साहित करते एसह ओलंपिक टिकट हासिल कर उभय टीम को अभिनंदन जनते नवीन। आज आरंभ हो भारत बांग्लादेश मध्य टी20 सीरीज। दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में खेल तीन मैच विशिष्ट सीरीज प्रथम मैच राजधानी में वायु प्रदूषण मात्रा एवं खूब अधिक यार खेल प्रथम मैच विराट कोहली अनुपस्थित में रोहित शर्मा का नेतृत्व में मैदान को ओह्लैब टीम इंडिया। केएल राहुल 3 नंबर स्थान में बैटिंग करार रही संभावना। बैट्समैन संजू सैमसन टीम को फेरी प्रथम मैच में सुजोग मिलार संभावना कम। ऋषभ पंत श्रेयस आयर और मनीष पांडे लगे एक सीरीज खूब गुरुत्वपूर्ण। दीपक खलील अहमद और शार्दुल ठाकुर दुई द्रुत बोलर को नहीं मैदान कोल्हाइपे दल दल ने प्रथम थर लगे स्थान पाई अलराउंडर शिवम दुबे को भी मिलपे सुजोग। सेपटे साकिब अल हसन और तमीम इकबाल बिना मैदान को ओह्लैब बांग्लादेश। से ही दुई खिलाड़ी अनुपस्थित कारण दलर बैटिंग लाइनअप संभाले मोहम्मद उदला क्लीटन दास मुशफिकर रहीम और सौम्य सरकार। से ही बांग्लादेश बोलिंग गुरु दायित्व मुस्तफिजुर रहमान उपरे। टी20 सीरीज द्वितीय मैच नवेम्बर 7 तारीख में राजकोट और तृतीय टी20 10 तारीख में नागपुर में खेल। बांग्लादेश विपक्ष में भारत में टी20 रेकर्ड 100% रही है। बांग्लादेश एपर्यंत गोटे भी टी20 अंतर्जातीय मैच में भारत को हर पारिना। दुई देश मध्ये एपर्यंत मोट 8 टी20 अंतर्जातीय मैच खेल जो भारतीय टीम सबुजाक मैच जीति। जाजपुर हरिदासपुर पंचायत पीओ स्मिताराणी विश्वाल मृत्यु घटन घर छाड़े स्मिताराणी परिवार। गत रातिर गेट्रे ताला पकाई क्यों चली जाइंट स्मिताराणी पर बापा और मां से ज्वाई घर तालचेर को जापूर्व जीवन प्रति विपद थी घर छाड़ा धमक दे स्मिताराणी बापा सदानंद विश्वाल सदानंद मुंबई में या पु निकट को पलू। सीताराणी को हत्या कराया बर आत्महत्या उत्साई कही सरपंच स्वामी रूपेश भद्र को गिरफ्त कर पुलिस। रूपेश भद्र गेस्ट हाउस सिल होपर तदंत प्रक्रिया आगक बढ़ुना। सेपटे घटनार सीबीआई तदंत दाबी करजेपी महिला कमिशन अधीक्षक मंतव्य को बीजेपी महिला मोर्चार निंदा कर सीताराणी चरित्र संहार और तदंत बाटपणा कर अभोगे जाजपुर एसपी और महिला कमिशन अधीक्षक बहिष्कार दाबी कर। प्रतिवाद आसंता 5 सबु जिलापा कार्यालय आगे प्रतिवाद कार्यक्रम रही बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री प्रभाती परिडा कहते मामला को दिगहरा करने को प्रयास यार सीबीआई तदंत होगा जरूरी। ए प्रसंग नहीं से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पाखे फेराद बीजेपी। कांग्रेस से घड़ी के घोड़ा छुटुची पुणी पीसीसी सभापति निरंजन को इस्तफा दावी कले असंतुष्ट कांग्रेस कर्मी जो मैंने दिनक तले निरंजन बासभवन में सालिश करते पुणी विरोध करते भुवनेश्वर एक होटेल पुणी मेली होती कांग्रेस किसी असंतुष्ट गोष्ठी। कहते कटक बारवाटी विधायक मकिम को परवर्त पीसीसी सभापति दिनक तले निरंजन बासभवन में होता बैठक में निरंजन को विरोधर स्वर नरम हो। सेपटे विरोधी मेली को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक गोटे राजनैतिक दल में श्रृंखला रहा आवश्यक जदि श्रृंखला न रुहे तेज दल ध्वंस होरंजन।
ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାତିଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରେ ପୁଣି ଉପଦ୍ରବ କରିଛନ୍ତି ହାତୀ। ଗୋଟିଏ ହାତୀପଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପାଲବଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଅନେକ ଜମିରେ ପଶି ସେମାନେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀପଲ ମଧ୍ୟରେ 22ଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ହାତୀପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକ ମାନଖଣ୍ଡ ତାଳି ଡାଳିଯୋଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଟାଙ୍କି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ କହ୍ନେଇପୁର ଶାଳ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ସହ ଏକ ଧାନ ଫସଲ ହାତୀମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ହାତୀଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ କପିଳାସ ଜଙ୍ଗଲରୁ 12ରୁ ଅଧିକ ହାତୀପଲ ଆସି ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀପଲ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ହାତୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଶି ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାବାଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚୂଡ଼ାମଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭଣ୍ଡ ବାବା ଜଣେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଜଣେ ଦମ୍ପତି ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା ବାବା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ଏହାପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଘେରିବା ସହ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଛନ୍ତି। 5 ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ବିତିଲା 24 ଘଣ୍ଟା, ତଥାପି ପତା ନ ମିଳିବାରୁ ପରିବାର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ତବ୍ଧ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଃଖ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ସବୁଦିନ ପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଜଙ୍ଗଲପାଡ଼ୁ ଗାଁରେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ। ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ, କାହାରି ଘରେ ଚୁଲି ଜଳି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଃଖ। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଗାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୁଣି ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଦିନ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ପରେ ଏହା ଉଫାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୁଣି ସଜାଗ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜଧାନୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକ, ଏଜି ଛକ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରିୟା ଛକରେ ଉଡ଼ିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ପରେ ଜରିମାନା ବି ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଯିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ପାଣ୍ଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମବାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ପ୍ରାୟ 60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନଥିବାରୁ ଝୁଲା ପୋଲ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କଳଙ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ପୁଣି କଙ୍ଗାରୁକୋର୍ଟରେ ଥାନାକୁ ନ ଯିବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧମକ ଅଭିଯୋଗ। ଜୁଠାଙ୍କଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପରିବାରର ବିବାହିତ ଯୁବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଥାନାକୁ ନ ଯିବା ଲାଗି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଲାଗି ପୀଡ଼ିତା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସି ନ କରିବାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟିକାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 5 କିଲୋମିଟରରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହା ହୋଇଗଲେ। ମଲଦା ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ।
गर्भवती मांसफल मां गृह को आने पर प्रशंसन पदक्षेप नहीं दुईज स्वास्थ्य सहायिका सुरक्षित मातृत्व पंजीकृत गर्भवती धार्य प्रसव दिवस 12 दिन पूर्व मां गृह रखा जाए। हेले सागपाली गाँ नंडाखुरा साहिर जनसन मुंडा स्त्री शांति मुंडा को मां गृह को आने स्वास्थ्य सहायिका को दीर्घ 14 किलोमीटर पहाड़ और नदी रास्त जावाक पड़ता दीर्घ 7 किलोमीटर बाट पहाड़ अतिक्रम कर शांति घरे पहुंचे पर शांति को विपज्जनक अवस्था स्ट्रेचर में पहाड़ और नदी पार हो आसवाक पड़ता। बलांगीर केन्द्र संभाव्य ब्यांक एटीएम कार्ड चोरी सह 8 लक्ष अधिक टंकार दुर्नीति घटनार क्राइमब्रांच तदंत दावी करिसेंती ब्यांक निर्देशक अभियोग दुई मास परे भते एबे सुधा अभियुक्त को गिरफ्त करा जाय नहीं। ब्यांक परिचालना सभापति लक्ष्मण मेहर एपर्यंत मुह खोलुनाहंती ब्यांक आभ्यंतरीण तदंत किंवा बोर्ड मीटिंग डका जाय नहीं। जिले में 21 जन डाटा एंट्री अपरेटर बेआईन भाव नियुक्ति करा अभियोग करिसेंती ब्यांक निर्देशक। जिलापाल कहते रीजनल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव को जणाइ दिया जाय छि व्यक्तिगत भावे अभियोग आसिले तदंत हेबो बोली जिलापाल कहते। बालेश्वर जिला जातीय राजपथ 60 भेलोर छक सड़क दुर्घटना दुईट ट्रक मुहांमुही होगा द्वारा दुई जन गुरुतर आहत होती बालेश्वर मेडिकल भर्ती कर दुर्घटना पर उत्तेजना देखाई रास्तार स्थायी मरामती दाबी स्थानीय लोके राजपथ अवरोध कर। कलाहांडी राइस मिल परिसर में भांग कारखाना ठाप जिला प्रशासन चढ़ाउ कर संध्यासी कुंडामल एग्रो राइस मिल को सिल कर चढ़ाउ समय विपुल पर भांग जबत करा बेले अभियुक्त प्रहलाद प्रधान को गिरफ्त। केन्दुझर तुरमुंगा थाना मानपुर मनोहरपुर नवजात शिशुपुत्र उद्धार गांव पाख पोखरी कूल गुदामूल नवजात शिशुपुत्र उद्धार हो शिशुपुत्र को उद्धार कर ग्रामवासी माने जिला मुख्य चिकित्सालय में भर्ती कर। आज सका लोक पोखरी को जवा समय शिशुटी बुदामूल पड़ी कांदुवा देखिते पर स्थानीय लोके एएनएम को खबर देते पर शिशु उद्धार कर 108 आंबुलांस जोगे जिला मुख्य डाक्तखाना को भर्ती कर शिशुपुत्र स्वास्थ्यवस्था ठीक थी जमापड़। कोदाल धरने सरकारी बाबू सरकारी कार्यालय परिसर बण बुद्दा हटाई सेठे सृष्टि कले सुंदर बगिचा दिन जो सारिस्ूप पोकजोक जमीता सेठी एवं खुलू रंग बेरंगर मनमताणिया फूल और पनीपरिया। अफिस् कर्मचारी श्रमिक और कर्मचारी कांध में कांध मिसाई श्रमदान कर सुंदर परिवेश सृष्टि कर अतिरिक्त तहसिलदार सुशांत कुमार सुतार। ऑफिस परिसर में थिबा 3 एकर जमीन एवं तो कर्मचारी भी स्वच्छ इच्छा से श्रमदान कर लगी। आंब सगुआ लिचु जामुकोली पणस बेल अमृत भंडा डाणीब और कदली गच यह गेंडु डालिया और रजनीगंधा आदि फूल यह बगिचा को अधिक आकर्षण करजे परिष्कार परिच्छन रहा निज परेश सबुज सुंदर करने प्रत्येक मनुष्य दायित्व बोली तिरींग अतिरिक्त तहसीलदार कर। राउरकेला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे ताते शिक्षक 24 मास हेला कॉलेज रो शिक्षकों को मिली नहीं दरमा पिला माने ठीक समय रे फीस देउथिबा बेले शिक्षक मानन को मैनेजमेंट दरमा देउ नहीं जार आक्रोश देखिबा को मिलची आईआईटी कार्यालय सामने। मैनेजमेंट दायित्व रे थिबा पूर्वतन विधायक प्रभात महापात्र पीतवास मिश्र एवं कॉलेज रो प्रिंसिपल को द्वारा आयोजित सांवादिक सम्मेलन परे अपेक्षा शिक्षक मानक आक्रोशर शिकार होते प्रिंसिपाल यहसह प्रभात एवं प्रीतवास पीतवास उपर सीधासख कोटि कोटि टकर दुर्नीति घटना अभोग आर्व पीतवास प्रभात लक्ष लक्ष टा दुर्नीति करवर अभोग आबे उभय मिसी मैनेजमेंट दायित्व अच्छा तुरंत दरमा सह मैनेजमेंट दायित्व यह दुई जन को हटावा विजिलेंस तदंत एवं जिलापाल हस्तक्षेप लोड़ी शिक्षक। कॉलेज को विभिन्न सूत्र आसा टंका कॉलेज अकाउंट न आनी प्रभात एवं पीतवास निज घर लोक आकाउंट आभोग आनी शिक्षक मैंने तेज शिक्षकों आंदोलन जो कॉलेज पाठपढ़ा प्रभावित हो। डिसेंबर 31 आरंभ हो विश्व प्रसिद्ध धनुजात्रा 100तम धनुजात्रा आज बरगढ़ जिलापाल सम्मेलनी कक्ष में अनुषित होता धनुजात्रा महोत्सव बैठक 11 दिन धरी चलने को धनुजात्रा महोत्सव में उच्चमानर साउंड आकर्षण तोरण लाइट व्यवस्था करा।
गोपपुर अंबापाली सुंदर तोरण लाइट और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो मुक्त रंग मंच अभिनय करुवा कंस और पात्र मंत्री और कलाकार नुआ चयन करने को साधारण बैठक में दावी कर चयन कमिटी निष्पत्ति पर नूतन कलाकार चयन हो कमिटी संपादक धनुजात्रा समय विभिन्न स्थान में पूर्व वर्ष भाई एथर सीसीटीवी लगवा सह ट्राफिक व्यवस्था और दर्शक पर्यटकों पर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था बरगढ़ एसपी पद्मिनी साहू। चाषी संगठन विरोध जो संबलपुर जिला प्रशासन पक्ष आज डक चलित वर्ष खरीफ धान संग्रह प्रस्तुति बैठक बातिल चाषी दावी प्रति सरकार कर्णपात करगठन गत 22 तारीख संबलपुर जिला कृषक संगठन पक्षर खरीफ फसल बीमा अर्थराशि प्रदान प्रधानमंत्री फसल बीमार घरकरण बंद स्वामीनाथन कमिशन सुपारिश अनुजाई धान दर वृद्धि और धान अभावी बिक्री समस्या को दूर करने छह दफा दावी जिलापाल कार्यालय निकट अनिर्दिष्ट दिन जाए 24 घंटिया रिले अनशन में बसी चाषी बालीयात्रा बड़ आयोजन एथर बालीयात्रा रे किभली नियारा हेबो सेथि प्रशासन किछि बाकी रखिबाकु चाहू नै खासकर बालीयात्रा रो परिवेश उपरे दिया जाउछ अधिक गुरुत्व बालीयात्रा को स्वच्छ रखिबा एवं परिवेश सुरक्षा वार्ता देबा पई विशेष उद्यम करा जाइछि। कटक राज्य एक साइकिल शोभायात्रा तो आयोजन करा जाइथिला एथरे शामिल होइथिले हाईकोर्ट रो मुख्य विचारपति जस्टिस के एस झावेरी निजे साइकिल शोभायात्रा रे शामिल होइथिले यह अवसर में हाइकोर्ट अन्य विचारपति जोगदे एस आईपीएस अधिकारी जिला प्रशासन अधिकारी और स्कूल छात्र छात्री शोभायात्रा में सामिल हो स्वच्छ बालीयात्रार बार्ता देते समय सारी खबर पटापट को ये रखा नमस्कार।